भगवान विष्णु के साथ हमेशा सर्प शेषनाग को देखा जाता है। महाभारत के ऐतिहासिक ग्रंथ में इस बात का वर्णन मिलता है कि बलराम शेषनाग जी के अवतार हैं। धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तब तब उनका साथ देने के लिए शेषनाग भी अवतार लेते हैं। त्रेता युग में शेषनाग श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लेते हैं, तो द्वापर युग में वो श्री कृष्ण के बड़े भाई के तौर पर प्रकट होते हैं, जिन्हें बलराम के नाम से जाना जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ और उनके उत्कृष्ट बल के कारण उन्हें बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जगन्नाथ पुरी के फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान इनका भी एक सुंदर रथ होता है और मथुरा में उनका दाऊ जी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। करीब 5000 साल पहले जन्मे भगवान बलराम जी के लाइफ से हम कई ऐसे लेसन सीख सकते हैं जिन्हें डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं कुछ लेसन पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने और ठीक से समझने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। बी अनबायस्ड। जब बलराम जी के सामने महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया, तब उन्होंने पक्ष चुनने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को भी समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों मेरे शिष्य हैं, मुझे दोनों से समान लगाव है। ऐसे संकट की घड़ी में दोनों में से किसी का पक्ष ना लेना ही उचित है। मैं इन दो कुरुवंशियों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उस वक्त बलराम जी को अपनी तरफ लाने के लिए दुर्योधन अपनी कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो उन्हें लुभा नहीं पाया। बलराम जी के लिए कौरव और पांडव दोनों एक समान थे, उनके मन में किसी के लिए कोई कटुता नहीं थी। शत्रु हो या मित्र, वो सबको समान भाव से देखते थे। बलराम जी का ये इंसिडेंट हमें उनके दोनों पक्षों के प्रति उनके अनबायस्ड नेचर के बारे में दर्शाता है। ऐसे अनबायस्ड नेचर के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुहन्न मित्रा युर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापिषु संबुद्धि विशिष्यते। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वो और भी उन्नत माना जाता है। अनबायस्ड यानी निष्पक्षता को समझने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये बायसेस यानी पक्षपात पैदा कैसे होते हैं और इनका मूल क्या है। इसका जवाब बड़ा सरल है, जो आपके और मेरे बचपन में छिपा हुआ है। बचपन से ही हमें बिलीव्स को फॉलो करने के लिए बताया जाता है, जैसे सब पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, सारे भगवान एक ही हैं, मरने के बाद किसने देखा है, वगैरह वगैरह, जो बाद में जाकर लाइफ के प्रति हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को शेप देती है, जिससे हमारे सोचने और विचार करने की शक्ति को कुछ हद तक छीन लिया जाता है। इस तरह से ये बायसेस क्रिएट होते हैं। हमें अपने खुद के बिलीव्स के लिए खड़े होने के साथ साथ इस बात को भी समझना चाहिए कि हम क्यों उन्हें फर्स्ट प्लेस पर इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी। जब उस महिला की वीडियो वायरल हुई, तब सब ने उस डिलीवरी बॉय की साइट जाने बिना ही उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि उस डिलीवरी बॉय की सोशल इमेज खराब हो गई और उससे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। बाद में जब उस डिलीवरी बॉय की स्टोरी हमारे सामने आई, तब अटेंशन के लिए लोग किस हद तक पहुंच सकते हैं, इसका सच पता चला। हमें इस बात को फेस करना होगा कि आज के टाइम में स्नैप जजमेंट्स करना एक प्रॉब्लम बन गई है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो या किसी धार्मिक विश्वास से। लोग उस विषय के बारे में पूरी तरह से जाने बिना ही तुरंत ही अपनी साइड चुन लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, जो हमारे एक दूसरे को ट्रीट करने के तरीके को अफेक्ट करती है, जिससे मतभेद बढ़ते हैं और समाज में कटुता निर्मित होती है। बलराम जी से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमें दोनों साइड्स को ध्यान से अनबायस्ड होकर देखना चाहिए और उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए। जब हम दोनों साइड की स्टोरी को अनबायस्ड होकर देखते हैं, तो हमारे माइंड में उस चीज के बारे में एक बिगर पिक्चर क्रिएट होती है, जिससे अनरियलिस्टिक या बेतुके दावे करने के बजाय हम अपने ओपिनियन को और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रख पाते हैं। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यानी आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो हमें इससे एक और चीज सीखने को मिलती है, जिसपे आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शत्रो मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नम विग्रह संधो सर्वस्य मिन्नपि पश्चात मानम सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। अर्थात शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो,
इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो, जिससे हमारा मन परमेश्वर प्राप्ति में लग जाए। बलराम एज ए आदि गुरु। बलराम जी का अर्थ है गुरु तत्व। बलराम जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। बलराम हमेशा अपने हल के साथ देखे जाते हैं। उनका हल के साथ आने का कारण लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदलने का था। जहां पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहीं जंगल से प्राकृतिक तौर पे मिलने वाली फल सब्जियां समाप्त हो रही थी, तो इस पे किसी को काम करके खाने लायक चीजों को उगाने के रास्ते को तलाशने की जरूरत थी। बलराम जी का जन्म लोगों को ये सिखाने के लिए हुआ था कि कैसे मिट्टी खोदकर उसमें बीज डाल के अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन किया जाए, जिससे लोगों का अच्छा पोषण हो। इसीलिए बलराम जी को कृषि देवता यानी फार्मर गॉड के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बलभद्र की पूजा कृषि क्षेत्र में सफलता के लिए भी की जाती है। भगवान बलराम को सर्विटर गॉड यानी भगवान के सेवक के रूप में भी जाना जाता है, जो लिविंग एंटिटीज को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं। लोग ये सुनके शायद ये भी कह सकते हैं कि बलराम तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, तो कैसे वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? इसके बजाय भगवान श्री कृष्ण को अपने बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। तो इसका जवाब बड़ा सरल है। हमने जैसे वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही इस बात पे चर्चा की थी कि बलराम शेषनाग जी के अवतार हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। इसी कारण जब भगवान अवतार लेकर अपनी लीला शुरू करने जा रहे होते हैं, तब उनके कार्य में उनका साथ देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए सारे देवी देवता या तो अवतार लेते हैं या अपने अंश को भेजते हैं, जिसमें हर एक का एक रोल फिक्स होता है। भगवान श्री कृष्ण को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सबसे पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव बलराम जी यानी आदि गुरु की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन बलराम जी को भी अप्रोच करने से पहले हमें उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में स्वयं गुरु तत्व के रूप में भगवान बलराम ही आध्यात्मिक गुरु को हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगाकर श्री कृष्ण को हमारे सामने प्रकट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान बलराम को स्वयं प्रकाश भी कहा जाता है, एक टॉर्च लाइट जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें डायरेक्शन दिखाए। गुरु के माध्यम से डिवोटी यानी भक्त उनके बताए मार्ग पे चलकर भगवान को पा सकता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु की दया के बिना हम हमारी आध्यात्मिक पहचान को स्पष्ट रूप से समझ और जान नहीं सकते। जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता के बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि तद्विदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बलराम जी का अपने पास हल रखने का एक और कारण ऐसा भी है कि वो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमारे दिलों को भी जोतते हैं। जैसे कोई हल का उपयोग करके जमीन को जोतकर उपजाऊ बनाता है, ठीक उसी प्रकार जब तक हमारी सारी कठोरता, मिथ्या अहंकार, अभिमान, माया, काम, क्रोध और लोभ दूर ना हो जाए, तब तक हमारे दिलों को जोतने का काम आध्यात्मिक गुरु करते हैं, ताकि हमारा मन कोमल हो जाए, जिससे इसमें प्रेम का बीज पनप सके। तो दोस्तों, ये थी भगवान बलराम जी के लाइफ से ली गई कुछ लर्निंग्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।